नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य कुंडली विशेषज्ञ देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। सर आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार। 24 फरवरी साल 2020 सोमवार। जी हाँ, वीकेंड के बाद जब मंडे से ऑफिस जाना होता है, स्कूल जाना होता है, तो एक नई ऊर्जा के साथ हम तैयार होते हैं। और ऐसे में आज का दिन आपका कैसा जाएगा? जी हाँ, कार्य क्षेत्र में आपको कितनी उन्नति मिलने वाली है, धन धान्य में कितनी बढ़ोतरी होगी, रिश्तों में कितनी मिठास आएगी और ओवरऑल आज आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा, जानेंगे कि आज ही के दिन जन्मे बच्चों का भविष्य कितना सुनहरा रहेगा। तो आइए फटाफट जान लेते हैं राशि अनुसार क्या कहता है आपका आज का दिन। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि 24 फरवरी साल 2020 का पंचांग क्या कहता है। आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की तिथि है। आज जो है प्रतिपदा है। प्रतिपदा आपको सोमवार के दिन रात्रि में 9:22 तक है। उसके बाद आपका द्वितीया शुरू हो जाएगा। नक्षत्र जो है वो सतभिखा नक्षत्र है, शिव योग है और किंसुक जो है वो करण है और योगा जो है वो अमृत है। अगर हम लोग बात कर ले कि आज जो है सूर्योदय और सूर्यास्त क्या स्थिति है, तो सूर्योदय 6:19 पर है और आप देखेंगे सूर्यास्त जो है वह 17:21 तक है। चंद्रमा जो है आपकी कुंभ राशि में विराजमान है। आज के दिन ग्रहों की जो स्थिति है, आज कुंभ में आपके बुध बैठे हुए हैं और आपके सूर्य भी विराजमान है। आपके शुक्र जो है आपकी मेष राशि में विराजमान है। धनु राशि में मंगल, केतु और गुरु विराजमान है। मिथुन में आपके राहु विराजमान है और मकर में शनिदेव जी विराजमान है। आज जो है ग्रहों की स्थिति के साथ साथ अगर हम लोग राहु काल की बात कर लें, तो आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन जो दिशाशूल होता है दक्षिण और पूर्व दिशा में होता है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं, तो आज अपना चेहरा जो है वो दर्पण में देखकर और थोड़ा सा पुष्प खाकर आप घर से बाहर निकलें और घर से निकलते वक्त 5 कदम आप पीछे रखें, फिर अपना कदम आगे बढ़ा कर रखें। और आज के दिन सोमवार के दिन 7:30 से 9 तक का जो पीरियड है वह राहु काल का पीरियड है। तो ये तो हमने जाना कि आखिरकार आज ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या कुछ कहती है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव होता है हमारी ज़िंदगी पर भी हमेशा से उसका प्रभाव बना रहता है। और आइए फटाफट जान लेते हैं राशि अनुसार क्या कहता है आपका आज का दिन और बात करते हैं हम मेष राशि से। जी, मेष राशि वालों के लिए आज का दिन लाभप्रद बना हुआ है। उन्नति के योग बने हुए हैं। समय वृद्धि कारक बना हुआ है। आप अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रयासरत रहे, भाग आपके साथ है। चलिए, मेष राशि वालों का तो भाग्य आज उनके साथ है, लेकिन जान लेते हैं कि क्या वृषभ राशि वालों का भाग्य क्या आज उनका साथ देगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन उन्नति वाला है, वृद्धि वाला है। शुक्रदेव आपके ऊपर विराजमान है। सुख सुविधाओं के साथ सुख संपत्ति की भी प्राप्ति के योग है। चलिए, वृषभ राशि वालों पर भी आज शुक्रदेव की असीम कृपा रहेगी, लेकिन मिथुन राशि वालों का आज का दिन क्या कहता है उनका भाग्य जान लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए उन्नति के साथ साथ वृद्धि के योग बने हुए हैं। वाहन आदि धीमे गति से चलाएं, सीट बेल्ट लगा के चलाएं, कार्यों को लेकर आप आगे बढ़े, लाभ होगा। यानी कि आज थोड़े बहुत दुर्घटना के योग हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अपनी सेहत को लेकर अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं या फिर बाइक से जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कर्क राशि वालों का आज का दिन क्या कहता है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला हुआ है। सीने से संबंधित और लीवर से संबंधित थोड़ी सावधानियां आवश्यक होंगे और चित्त को शांत रखें। वाहन आदि भी धीमे गति से चलाएं और साझेदारी के कार्यों में या बाहर कहीं जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो ट्रेन में हो, बस में हो, आप झंझट न मोलें। यानी कि ओवरऑल देखा जाए, जैसे कि त्रिपाठी जी ने एक तरह से संकेत दे दिए कि थोड़ा बहुत आज आप थोड़ा संभल के रखिएगा कर्क राशि वाले लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि। जी हाँ, जिनके स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, आखिरकार उनके लिए सोमवार का ये दिन कैसा रहेगा। सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। आपको साझेदारी के कार्यों में अनुकूलता के योग बने हुए। आप ज़्यादा बेचैनी में न रहें, जल्दीबाजी में न रहें। आप चीज़ों को समझकर शांति के साथ, स्थिरता के साथ
आप कहीं बैठ जाएं, दो घूंट जल ले लें, अपने ऑफिस में बैठे, उसके बाद विचार करके कार्यों को आगे करें, लाभ मिलेगा। जल्दीबाजी के कार्य आपको हानि पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है। जैसे कि मैं अपने दर्शकों को बताती हूं कि जो जल्दीबाजी के जो काम होते हैं ना, वो हमेशा अधूरे रहते हैं। और कई बार यही जल्दीबाजी जो एक होता है ना, जिस लोगों में पेशेंस नहीं होता है, उनके काम भी हमेशा बिगड़ जाते हैं। चले अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सिंह के बाद अब कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला हुआ है। आज माता से सुख के जोग बने हुए हैं। आज आपको स्त्री वर्ग से कुछ लाभ के जोग बने हुए हैं, या आपके जो अधीनस्थ जो हैं, या आपके सीनियर जो हैं, जो अगर कोई महिला वर्ग हैं, अधिकारी जो हैं, उनसे भी आपको लाभ मिलने के जोग हैं। आगे बढ़ें और उन्नति के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। बिल्कुल, अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो एक ना एक दिन कामयाबी आपके चरण जरूर छुएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अब आगे तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, तुला राशि वाले काम तो बेहतर करते हैं, प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन कोई कुंठा अंदर किसी के प्रति न पाल कर रखे। आपको जो कहना है मुंह पे कहिए, और ज़्यादा झूठ और सच की नहीं, झूठ की खेती करनी अच्छी बात नहीं है। कार्यों को लेकर आगे बढ़ें और अस्पष्टता का ध्यान रखें। बिल्कुल, अब आगे बढ़ लेते हैं और फटाफट से जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले मानसिक शांति के साथ साथ अपने भविष्य की योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे। कार्यों को लेकर आगे बढ़े, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। उन्नति के नए द्वार जो बंद थे, वो भी धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अब धनु पर जाने से पहले एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को जैसे कि हमेशा याद दिलाती हूँ कि अगर आपकी भी कुंडली से संबंधित कोई भी समस्या है, या फिर आपकी निजी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है जिसका समाधान आप चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र से, या फिर कहें कि गणना से आपको मिल सके, तो बेझिझक स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए आप डॉक्टर त्रिपाठी जी से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमेशा से मेरा धन ज्ञान की तरफ से अपने दर्शकों को निवेदन रहता है कि जब आप इनसे बातचीत करते हैं जब, तो उस वक्त दो चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। या तो सटीक जानकारी आप हमेशा दीजिएगा, साथ ही साथ वक्त भी दीजिएगा, ताकि त्रिपाठी जी आपकी समस्या का जब समाधान निकाल रहे तो पूरी तरह से गणना कर सके। क्योंकि हम लोग के लिए एक एक कॉलर जो है बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आप कॉल करते हैं, अपना समय निकाल कर फोन करते हैं, हम लोग भी अपना समय निकाल के आपसे बात करते हैं, और आपको लाभ नहीं दे पाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आप अपने पूरे डिटेल्स के साथ और जो प्रक्रिया उसको समझते हुए आगे बढ़े। बिल्कुल, एक एक कॉलर, और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म ज्ञान के एक एक दर्शक हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि त्रिपाठी जी के लिए, क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम होता है सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जी, धनु राशि वालों के लिए काफ़ी बेहतर बना हुआ है। आपको लाभ के योग बनेंगे। कार्यों को लेकर आप आगे बढ़े, समय उन्नति वाला है, वृद्धि वाला है, अनुकूलता वाला बना हुआ है। थोड़ा अपने आप को घर से बाहर ज़्यादा देर रखें, थोड़ा आप आराम तलबी भी आज हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सोमवार का दिन आखिरकार मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता वाला है। बेहतरी की योजना आप बना सकते हैं, कुछ आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं, कुछ योजना बना सकते हैं। आज आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं मानसिक रूप से, जिससे वो सबल महसूस करेगा। आर्थिक रूप से ही मदद करना किसी का सपोर्ट नहीं है, आप भावनात्मक भी किसी के साथ लगाव होकर उसको मदद करते हैं, तो ये सबसे बड़ा सहयोग है जो आज आप करेंगे। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और आइए फटाफट से जान लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए आखिरकार आज का दिन कैसा है। कुंभ राशि वाले के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतरी वाला है। नए कार्य मिलेंगे, नए स्रोत खुलने वाले हैं, आमदनी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आज आप कहीं बाहर की यात्रा कर सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ के योग हैं। चित्त को शांत रखें, मन को परेशान रखें, बेचैन होकर आप अपने कार्य को थोड़ा लंबित कर सकते हैं और आप खुद परेशान हो सकते हैं, इसलिए शांति के साथ सफलता के साथ आगे बढ़ें। चलिए इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी अगली और अंतिम राशि मीन पर और जान लेते हैं कि सोमवार का दिन मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ देकर रहेगा। सोमवार का दिन आपके लिए सुखद सुंदर है, लेकिन आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आप जहां कर्मस्थली पे जाते हैं, काम करते हैं, तो थोड़ी आराम करने की भी जरूरत है। भाग दौड़ के कारण थोड़ा सेहत प्रभावित हो सकता है। शुद्धता का आप कहीं जो है स्वच्छ वातावरण में रहें, अन्यथा थोड़े सेहत से संबंधित
आपको परेशानियां उभर सकती हैं। तो ये हमने आपको एक एक राशि कर अनुसार बताया कि आखिरकार आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिरकार 24 फरवरी साल 2020 सोमवार आज ही के दिन जन्मे बच्चों का भविष्य कितना सुनहरा रहेगा, कितने पराक्रमी रहेंगे, भाग्यशाली कितने रहेंगे, आइए जान लेते हैं। आज जो बच्चे जन्म लेंगे वो सतभिखा नक्षत्र में जन्म लेंगे, क्योंकि सतभिखा दिन में 2:23 तक, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो जाएगा। आज दिन में 2 नक्षत्र लग रहे हैं। आज जो बच्चे जन्म लेंगे, थोड़ा बचपन में जन्म लेने के बाद माता और पिता को किसी प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, कोर्ट कचहरी या पारिवारिक जो है कुछ अस्वस्थता देखने को मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे जैसे जब 8 के हो जाते हैं तो क्रमशः ये काफ़ी बेहतर करने लगते हैं और ये भविष्य में पिता का बहुत सपोर्ट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन किन राशियों के लिए भाग्यशाली है और किन राशियों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा संभलने की जरूरत है। मीन राशि वाले और धनु राशि वाले के लिए बेहतर समय है। अब इसी के साथ हम अब कार्यक्रम के अंतिम चरण पर ले चलते हैं आपको और जान लेते हैं कुछ छोटे मोटे उपाय जिसके करने से ना सिर्फ आपका, जैसे मैं कहती हूँ ना कि भाग्य और संवरेगा, बल्कि साथ ही साथ आप मुश्किलों से उभर सकेंगे। निश्चित रूप से अगर आपको ज्यादा परेशानी है और आप परेशान है तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का आप पाठ करें, आप देखेंगे कि आपको लाभ के योग बनेंगे। सोमवार के दिन से ही आप इसका पाठ करें, देखें लाभ मिलेगा। चलिए इसी के साथ मुझे और देवी के डॉक्टर शिवपति त्रिपाठी जी को दीजिए इजाजत। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।